घुसे असलहों और लाठी डंडों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने सोमवार की देर रात परिवार को पहले बंधक बनाया, फिर जमकर लूटपाट करते हुए 20,000 की नकदी समेत 7,00,000 के जेवरात समेत ले गए। साथ ही दुकान और बाइक की चाबी भी ले उड़े। बाद में बदमाश वहां से भागने में सफल रहे। खास बात तो ये रही कि घर में बदमाशों द्वारा की गई लूट की पूरी वारदात भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पुलिस इस लूट की वारदात को चोरी में दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। मामला बिस्वा कोतवाली इलाके का है। क्षेत्र के मोहल्ला जुलाही टोला में मोहम्मद अहमद पुत्र कुदुस का परिवार सोमवार रात को खाना खाकर घर में सोया था। आधी रात को 8 से 10 नकाबपोश बदमाश घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। सभी लाठी डंडों और असलहे से लैस थे। आहट पाकर परिजनों की नींद खुल गई। तो बदमाशों ने असलहे तानकर उन्हें कोने पर खड़ा कर दिया और बारी बारी से सभी कमरों की तलाशी लेकर जमकर लूटपाट की। परिजनों के मुताबिक लूटपाट में बदमाशों ने 6 से 7,00,000 के जेवरात और 20,000 की नकदी, दुकान और बाइक की चाबी भी साथ ले गए। घटना को अंजाम देने के बाद जाते समय नकाबपोश बदमाश पड़ोस की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सभी अपने मुंह को कपड़ों से ढके हुए थे, साथ ही उनके हाथों में लाठी डंडे भी थे। घटना को लेकर पीड़ित परिजनों ने बताया। आपका? हमारा नाम मोहम्मद अहमद। कहाँ रहते हैं? जुलाही टोला 12। क्या घटना हुई? घटना का वो हमारे घर में जो है 10-12 आदमी घुस गए और कमरे में 4-5 आदमी हमको छाप लिया, 5-6 आदमी इसको लड़के को छाप लिया और छापने के बाद वो सब जेवर और जो पैसा नगद ही ले गए। कितने का नगद गया? नगद करीब 6-7 लाख रुपए का जेवर का 6-7 लाख का नगद, मतलब जेवर दोनों मिला के। हाँ, और जो है 20,000 रुपया नगद। 20,000 नगद ये गया। पुलिस को सूचना दी? अब पुलिस को सूचना दी गई, वो आई थोड़ी देर के बाद, वो हमको 3 बजे बैठा के ले गई और वहाँ तहरीर लिखा लिया और कहने लगा जाइए आप। और सुबह तहरीर कुछ लिख के दी थी? नहीं, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं दिया लिख के। तहरीर आपने दी थी? तहरीर हाँ हमने दी थी लिख के, कोतवाल साहब ने कहा था ये लिख दो, जो जो बताते गए वो लड़का हमारा लिख गया और बस कहीं बैठा दिया गाड़ी से, कहीं जाओ उनको छोड़ा, हमको छोड़ गया। चोरी हो जाए, डकैती हुई? डकैती भाई है, चोरी वाला हिसाब ही नहीं रहा। चोरी वाला होता तो हम लोग इतना नहीं रहे, थोड़ा तो बचका। जगह जगह बकायदा चलाए का की कितना क्या गया है? कम से कम का हुई है, का बताई तुमका? अनुमानित बताइए आप। कम से कम 7-8 लाख तो जरूर हुई है। नगद कितना गया है? नगद कैसे सामान गवा, थोड़ा भैया को ना पैसा मालूम है तो भैया को कल थोड़े में रहा तो निकाल ली कि कहीं ना कल जमा कर देगा तो इनके फिर मालूम होगा। हमने तो भैया नहीं रहे पैसा, इनके थी रहे आपता पद 20,000 रुपए बताए रहे कि रहे जमा कर देवा जाए कि कल तो सामान आई जी ही। तो वो नहीं, जब वो पाए गए हैं तब उनकी हम कब पाए गए, उधर उनका भैया पाए गए जाए कि पैसा उनके सिर पाए गए, जेवर हमसे सब निकलवा ली। और कोई चीज नहीं छुबते रहे, सिर्फ केस छुबते रहे और सामान केस मांग रहे हैं। भैया पैसा नहीं तुमका, कब पास बुक देखा? आप लोग घर में कितने लोग थे? चार हम, एक भैया है, एक बहुरिया है और पोती एक है। अब हम मियां बीवी हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। क्या हुआ भैया घटना? हुआ क्या, हम लोग सो रहे थे रात को, वही लगभग 1:45-1:50 के बीच में जो है तो मेरे यहाँ जो दुकान की शटर लगी हुई है उस पर तेज से आवाज आई तो हम उठ पड़े, हम जग गया था। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद छत से आवाज आई, कोई लगा कि डीला किसी ने फेंका है, तो हमने सोचा शायद बिल्ली वगैरह हो। उसके बाद जब दरवाजे पे लात किसी ने मारी तो हम उठ के बाहर को हल्का झाँके, मतलब अपने रूम से खिड़की है तो आंगन में झाँकने लगे। तो जब जितनी देर में झाँके इतनी देर में कुछ लोग जो है घर में घुस आए और वो झांक रहे थे आंगन में। तो जब हम देखने लगे उनको तो हमने कहा, तो हम चिल्लाने लगे कि घर में चोर आया, अम्मी उठो घर में चोर आया, चोर आए। तो इतने देर में वो लोग भागे एकदम से आके, कहा कि चुप जा चुप वरना गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। कितने लोग थे? वो लोग एकदम से आ गए थे, लगभग 8-10 के ऊपर। और फिर सब लोगों ने जो है बाहर का दरवाजा बंद कर लिया, सब लोग अंदर आ गए। और फिर उसके बाद हम मतलब अपना दरवाजा लॉक कर लिए, फिर अम्मी के रूम की तरफ गए और जो अदर रूम सेफ वगैरह जहाँ रखी थी उसमें गए, रूम तोड़ने लगे, वही सेफ वगैरह तोड़ने लगे। फिर अम्मी के कमरे में गए, सब सामान फेंक दिया और उनको जो है किनारे बैठा के उनके ऊपर जो है वही पिस्तौल वगैरह लगा दी। तो भी डर गए बहुत।
उसके बाद जो है उनसे सामान वगैरह कि कहाँ सामान लाओ पैसे लाओ सामान लाओ पैसे लाओ जेवर लाओ पैसे लाओ ये मांगने लगे और नहीं दे रहे थे तो मतलब वो जो उनके पास थे असलहे और जो क्या कहते हैं सामान वगैरह उससे मारने के लिए हाथ उठाने लगे तो मम्मी ने पूरा सामान दे दिया। क्या क्या ले गए? क्या क्या मतलब जेवर था सिस्टर का था वाइफ का था पूरा और काफी सामान था सोने का। लमसम कितने का गया जेवर? लमसम 7-8 के ऊपर ही था नीचे नहीं 7-8 लाख के ऊपर ही था। नगद कितना गया? नगद 20,000 रूपए। और कुछ भी गया? नहीं और कुछ नहीं मतलब मम्मी के कमरे से वो सामान जेवर वगैरह ले गए। फिर जब मेरे जब जाने लगे तो मेरे कमरे में जब आए तो हम जब दरवाजा तोड़ने लगे तो हमने जो है दरवाजे के पीछे खड़े होके उनका सामना करने की कोशिश की। दरवाजा खोलने नहीं दिया लेकिन वो जबरदस्ती जब 4-5 लोग लग गए तो अकेले कहाँ तक संभालते। फिर अंदर आ गए एकदम से पकड़ लिया हमको और वाइफ का कान पकड़ के नोचने लगे तो फिर हमने कहा कि नोचो ना हम ये दे रहे हैं जो उनको जो चाहिए वो दिए दे रहे हैं। तो उसके बाद वो 5-6 लोग अंदर आए 2-3 लोग हम लोग के साथ थे बाकी सब कमरा मतलब ढूंढने लगे सब अलमारी वगैरह खोल के। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचित करने की कोशिश की लेकिन उसमें जो है घंटा भर ये बवाल बताता है अभी ऐसी सिचुएशन में घंटा भर का कोरोना वाला बवाल सुने कि जो है कि फोन लगाया फोन भी नहीं लगा उसके बाद तो और गुस्सा लग रही। फिर पड़ोसियों को फोन किया तो जगाया तो पड़ोसियों ने जब उठे तो देखा कि हाँ खड़ा है कोई। शोर सुनकर जागे पड़ोसियों ने भी लूट कर जाते समय बदमाशों को देखा। सुबह होने पर पीड़ित ने मामलों की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने लूटपाट की वारदात को चोरी में दर्ज किया है। इस वारदात से इलाके में लोग दहशत जता है। खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया।